कृति सैनन बॉलीवुड इंडस्ट्री की फेमस ट्रेंडिंग सेलिब्रिटीज में से एक हैं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज हम आपको कृति सैनन के बारे में 20 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। और अगर आपको हमारे चैनल सेलेब सिटी का ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नंबर वन, कृति सैनन का जन्म 27 जुलाई 1990 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम राहुल सैनन है, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और उनकी मां का नाम गीता सैनन है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। कृति की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम नुपुर सैनन है। नंबर टू, कृति ने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल आरकेपुरम से की। इसके बाद उन्होंने नोएडा के जेपी इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में बीटेक की डिग्री हासिल की। नंबर थ्री, कृति शुरू से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। इंजीनियरिंग करने के बाद उन्हें दो अच्छी जॉब भी ऑफर की गई, लेकिन कृति ने उन्हें करने से मना कर दिया क्योंकि वह मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी, जिसके बाद वह मुंबई शिफ्ट हो गई। नंबर फोर, कृति की मॉडलिंग में दिलचस्पी तब बढ़ी जब उनकी छोटी बहन नुपुर ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान उनकी कुछ तस्वीरें क्लिक की थी जिसमें कृति काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। तभी कृति की फ्रेंड और उनकी बहन नुपुर ने उन्हें मॉडलिंग में करियर बनाने का सुझाव दिया। नंबर फाइव, जिसके बाद कृति की बहन नुपुर ने उनकी कुछ फोटो एक वेबसाइट कॉन्टेस्ट के लिए भेज दी और कृति इस कॉन्टेस्ट की विनर रही, जिसके बाद जाने माने फेमस बॉलीवुड फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी के साथ कृति को पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिला। इसके साथ ही कृति को जाने माने मॉडलिंग एजेंसी के साथ एक साल का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। नंबर सिक्स, कृति ने 2010 में मुंबई में आयोजित विल्स लाइफस्टाइल इंडिया फैशन वीक में मॉडल के रूप में पार्टिसिपेट किया। 2012 में कृति को चेन्नई इंटरनेशनल फैशन वीक और इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक में भी मॉडलिंग रैंप पर कैटवॉक करने का मौका मिला। कृति ने फेमस फैशन डिजाइनर रितु बेरी, सुनीत वर्मा और निकी महाजन जैसे डिजाइनर्स के लिए मॉडलिंग भी की। नंबर सेवन, कृति सैनन ने अपने मॉडलिंग करियर में कई बड़े ब्रांड्स के विज्ञापन किए, जैसे क्लोजअप, अमूल, सैमसंग, हिमालय जैसे ब्रांड्स किए। मॉडलिंग में सफल करियर बनाने के बाद कृति को कई फिल्मों के भी ऑफर आने लगे, लेकिन कृति को फिल्मों में काम करने का कोई अनुभव नहीं था, जिसके बाद उन्होंने एक्टिंग क्लासेस भी ज्वाइन की। नंबर एट, कृति ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2014 में साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू के साथ तेलुगु फिल्म नैनो कडीने से की थी। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफल नहीं रही, लेकिन दर्शकों ने इसमें कृति के अभिनय को काफ़ी पसंद किया। नंबर नाइन, कृति ने फिल्म हीरोपंती से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। उनकी यह फिल्म सुपरहिट रही। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की। कृति को इस फिल्म के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू का भी अवार्ड मिला। नंबर टेन, जिसके बाद कृति ने साल 2015 में रोहित शेट्टी की फिल्म दिलवाले में काम किया, लेकिन 2017 में आई फिल्म बरेली की बर्फी से कृति सैनन को खास पहचान मिली। इस फिल्म के लिए कृति को दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। नंबर 11, कृति सैनन न केवल हुस्न की बल्कि दिल की भी काफ़ी अच्छी मल्लिका है। दरअसल हाल ही में नेपाल की रहने वाली 14 वर्ष की स्टूडेंट मुस्कान पर उसके स्कूल के ही दो लड़कों ने एसिड से हमला कर दिया था, क्योंकि वह पढ़ने में अच्छी थी। अपना चेहरा देखने के बाद मुस्कान ने अपनी ज़िंदगी से हार मान ली थी और जीना नहीं चाहती थी। इस स्टूडेंट के बारे में जब कृति को पता चला तो कृति ने अपने स्टूडियो से उसे कॉल किया, जिससे मुस्कान को बेटर फील हुआ। कृति ने मुस्कान को अपना ख्याल रखने की सलाह दी और ठीक हो जाने के बाद पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कहा। कृति ने यह कहते हुए मुस्कान को प्रोत्साहित किया कि वो अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकती है। इसके बाद कृति ने वरुण धवन को मुस्कान के बारे में जानकारी दी, जो कि उनकी बड़ी फैन है। वरुण ने तुरंत उसके लिए एक वीडियो मैसेज शेयर किया और उससे मिलने की इच्छा जाहिर की। हालांकि वरुण और कृति से मिलने के बाद मुस्कान बेहतर फील कर रही है, जिससे इन दोनों एक्ट्रेस की वजह से मुस्कान को जीने की एक नई उम्मीद मिली है। नंबर 12, बॉलीवुड में आए दिन ब्रेकअप और लिंकअप की खबरें आती रहती हैं। कृति और सुशांत के अफेयर की खबरें भी काफी सुर्खियों में रही। फिल्म राब्ता के सेट पर सुशांत की मुलाकात कृति सैनन से हुई और दोनों के अफेयर की खबरें भी आने लगी। उसी दौरान सुशांत ने अंकिता लोखंडे से ब्रेकअप कर लिया था। सुशांत और कृति ने एक दूसरे को काफी समय तक डेट किया। सुशांत कृति के साथ काफी सीरियस रिलेशनशिप में थे, लेकिन बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया। दोनों ने अपने रिश्तों को लेकर कभी खुलकर बात नहीं की। नंबर 13, कृति सैनन की तरह उनकी बहन नुपुर भी काफ़ी खूबसूरत हैं। कृति अपनी बहन नुपुर के काफ़ी क्लोज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नुपुर जल्दी बॉलीवुड में डेब्यू कर सकती हैं। इंस्टाग्राम पर नुपुर के लाखों फॉलोअर्स हैं और उनकी बहन कृति के साथ तस्वीरों की वजह से उनकी खुद की फैन फॉलोइंग भी बन गई है। नंबर 14, अक्षय कुमार की फिल्म सिंग इज बिंग के लिए कृति सैनन पहली पसंद थी। हालांकि डेट्स नहीं होने के कारण उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था, जिसके बाद कृति सैनन की जगह फिल्म में एमी जैक्सन को कास्ट कर लिया गया। नंबर 15, कृति सैनन कई बड़ी कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। कृति को कंपनियां इसलिए पसंद कर रही हैं क्योंकि कृति के साथ अभी तक किसी भी तरह का विवाद नहीं जुड़ा है। कृति फिलहाल 15 कंपनियों के ब्रांड प्रमोशन कर चुकी हैं, जिसमें बाटा, टाइटन रॉक, कैडबरी फ्यूज, वेयरपूल, अर्बन क्लैप आदि शामिल हैं। इसके अलावा विदेशी ब्रांड भी कृति के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। कृति सैनन को हाल ही में एजुकेशन ऑफ न्यूजीलैंड का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नंबर 16,
कृति सेनन के पेरेंट्स राहुल सेनन और गीता सेनन ने एक शो के दौरान बताया कि कई बार जब हमें लोग जानते हैं तो हमें अच्छा लगता है और खुशी महसूस होती है, लेकिन एक बार शॉपिंग के दौरान हमें शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ा था। कृति की माँ ने बताया कि एक बार जब वह सेल के दौरान शॉपिंग करने गई थी तो इस दौरान लोगों ने गॉसिप करना शुरू कर दिया कि कैसे एक एक्ट्रेस के पेरेंट्स सेल से कपड़े खरीदने आए हैं। इसके आगे कृति के पिता ने बताया कि उस दौरान उन्हें बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई, इसके बाद वह तुरंत ही शॉप से बाहर निकल गए। नंबर 17, कृति खुद को फिट रखने के लिए काफ़ी मेहनत करती हैं। वह रोजाना जिम जाती हैं और कई घंटों तक वर्कआउट करती हैं। कृति अपने वर्कआउट में डांस, योगा, स्क्वाट्स और पायलट्स को भी शामिल करती हैं। कृति ने बताया कि वो अपने जिम ट्रेनर के साथ एक सप्ताह में 3 से 4 बार पायलट्स करती हैं। कृति वर्कआउट के साथ साथ अपनी डाइट का भी पूरा ख्याल रखती हैं। नंबर 18, स्लिम ट्रिम और फिट दिखने वाली कृति सेनन रियल लाइफ में बहुत ही फूडी हैं। कृति खाने की बेहद शौकीन हैं। कृति कहती हैं कि वह खाने पीने में कोई परहेज नहीं करती। उन्हें मीठे में हलवा, कस्टर्ड, चीज़ केक और चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। नंबर 19, कृति को एक्टिंग के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी काफ़ी दिलचस्पी है। कृति को क्रिकेट देखना काफ़ी पसंद है। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि कृति एक स्टेट लेवल की बॉक्सर भी रह चुकी हैं। नंबर 20, कृति सेनन जहाँ फिल्मों में सफल रही हैं वहीं अपनी सोशल लाइफ में काफ़ी एक्टिव हैं। इसके अलावा वो सोशल वर्क में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और काफ़ी चैरिटी भी करती हैं। हाल ही में आई कृति की फिल्म लुका छिपी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है। आने वाले फिल्मों की बात करें तो कृति हाउसफुल 4 और पानीपत में नज़र आएंगी। दोस्तों, अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।